होफमैन रिएजमेंट या फिर होफमैन डिग्रेडेशन या फिर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें जो है पहले एमाइड का जो रिएक्शन होगा वो ब्रोमीन के साथ होगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 4NaOH। तो ये जो है ये एमाइड है और ये ब्रोमीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो तीनों हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये RNH2 मतलब एमीन का फॉर्मेशन करेगा। प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। देखो एमाइड्स विद नो सब्सटेंट ऑन द नाइट्रोजन रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू यील्ड एमीन्स थ्रू आ रिएक्शन नोन एज द होफमैन रिएजेंट। थ्रू आ रिएक्शन नोन एज होफमैन रिएजमेंट और होफमैन डिग्रेडेशन। तो यही है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। अब मैकेनिज्म करते हैं। तो लेकिन मैकेनिज्म करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या फिर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया एमाइड और ये OH के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ H को लेगा और जो बॉन्ड है वो N पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और H2O जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए ये Br मतलब Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो नेगेटिव है ये Br पे अटैक करेगा और एक Br निकल जाएगा और ये N ब्रोमामाइड, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो है N ब्रोमामाइड। फिर से OH माइनस से रिएक्ट करेगा ठीक है। और देखिए इसका जो नाम है वो है एनायन ऑफ एन ब्रोमामाइड। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ इस बॉन्ड के पास आकर शिफ्ट होगा और ये जो है लोन पेयर पे आके अटैक कर जाएगा मतलब शिफ्ट कर जाएगा जो आ रहा है, और ये जो Br जो है वो निकल जाएगा फिर से अब ये हो गया इंट्रामोलिकुलर 1-2 शिफ्ट। अब देखिए अब हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है कौन सा बॉन्ड जो है जुड़ रहा है। तो ये वाला बॉन्ड जो है टूट रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये देखिए R किस तरह से मतलब अटैच कर रहा है N पे, ठीक है। अब तो Br माइनस निकल गया। अब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड है। देखिए ये OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और OH नेगेटिव इसमें कार्बन पर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव तो चार्ज का फॉर्मेशन कर लेगा क्या नाम है नाइट्रोजन पे, ठीक है। और ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और ये नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। और बनाया ये COH डबल बॉन्ड हो। अब देखिए जो H निकल जाएगा वो H के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड हो बन गया ना, ठीक है। और यहाँ पे जो नेगेटिव
चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखिए अब ये वाटर है ठीक है, और यहाँ पे ये और येलो बॉन्ड ये एन पे, और ये जो लोन पेयर है ये जो एच है इसके साथ एच को ले लेगा और ये वो एच है वो निकल जाएगा ठीक है। तो आर एन एच टू बन जाएगा प्लस सी ओ टू और ओ एच माइनस, दैट्स ऑल्व।